देखिए पूरा सेट है वो फॉर्मेट हो गया है वेब सक्सेसफुली। हेलो दोस्तों, माय मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास जो सेट है वो रियलमी का सेट है, रियलमी मॉडल नंबर है रियलमी X2। रियलमी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट दिया है रियलमी UI करके। जो भी सेट UI वर्सन में अपडेटेड होगा वो सेट को आप आराम से हार्ड डिस्क कर सकते हैं। देखिए मेरे जो सेट है ये लॉक में है, इसका मॉडल जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका मॉडल है, सॉफ्टवेयर वर्सन में जाएंगे हम, देखिए यहाँ पर मॉडल है RMX 1992 है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये जो मॉडल है ये रियलमी X2 है और इसमें ऑलरेडी हमने रियलमी जो UI आया है उसको अपडेट करके रखे हैं। जो भी सेट UI वर्सन सपोर्ट करता है सब वही सब सेट को आप आराम से हार्ड डिस्क कर सकते हैं। जब रियलमी में अपडेट दिया है UI का, तो आज मेरे पास एक सेट आया है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये हार्ड डिस्क होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। आपको पता कैसे चलेगा कौन कौन सा मॉडल UI अपडेटेड है या नहीं है? अगर आप किसी भी फ़ोन में UI अपडेटेड नहीं है, अगर वो फ़ोन आपका UI सपोर्ट करता है, आप आराम से OTA फाइल डाउनलोड करके आराम से हार्ड डिस्क कर सकते हैं। देखिए हम पहले फ़ोन को करेंगे स्विच ऑफ। देखिए स्विच ऑफ आ गया, स्विच ऑफ करेंगे। अभी सिंपली हम इसको वॉल्यूम माइनस और पावर को प्रेस करेंगे। देखिए वॉल्यूम माइनस पकड़ के रखे हैं, पावर छोड़ दिए हैं। रियलमी का लोगो आ गया, अभी दोनों ही छोड़ दिए। देखिए आ गया, तो हमको अभी इंग्लिश में क्लिक करना है, ठीक है ना। इंग्लिश कर दिए, देखिए इंग्लिश कर दिए। देखिए यहाँ पर है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है ना। अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो OTA फाइल डाउनलोड करके आप इंस्टॉल फॉर स्टोरेज करके आप आराम से इसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। देखिए हम ऑनलाइन अपडेट पर जब भी क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग होगा, ठीक है ना। देखिए वाईफाई सर्च कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। देखिए मेरा जो वाईफाई है वो पकड़ लिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी वाईफाई पासवर्ड मांग रहा है, देखिए ये फ़ोन पासवर्ड नहीं मांग रहा है, प्लीज़ एंटर वाईफाई पासवर्ड। ये वाईफाई पासवर्ड देखिए आप आराम से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो वाईफाई का, या फिर वाईफाई नहीं आता है तो आप आराम से OTA फाइल डाउनलोड करके सेट को इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज से अपडेट करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने का आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि आपको सेट को ऑनलाइन फ्लैश करने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता ही है ये सब सेट ऑनलाइन फ्लैशिंग होता है, अनलॉक के लिए बहुत चार्ज होता है, 400 500 कोई 600 भी लेता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी लेता है, तो ये नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आपका फ़ोन अपडेट है तो आप वेब डाटा में क्लिक कीजिए, देखिए प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। देखिए यहाँ पर कोड भी दे दिया है 7916, ठीक है ना। अब हम अभी यहाँ पर 7916 डाल दिए, देखिए यहाँ पर वेब डाटा दिखा रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट डाटा, अगर हम फॉर्मेट में क्लिक कर दिए तो फ़ोन हो जाएगा फॉर्मेट। ये हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। और इससे पहले और एक बात बोलते हैं, अगर आपका ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आने के बाद, ये जो देखिए वेरिफिकेशन कोड बार बार चेंज होता रहेगा,
देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन जो कोड है ये बार बार चेंज होता है, पहले अलग था अभी देखिए कोड है 0600। देखिए यहाँ पर हम वेब डेटा मार रहे हैं फिर से यहाँ पर कोड चेंज हो गया, यहाँ पर कोड आ रहा है 6866। देखिए ये बार बार चेंज होता रहेगा, देखिए हम मारते हैं 6866 ले लिया कोड, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा, यहाँ पर हम देखिए फॉर्मेट अगर कर दिए तो पूरा जो सेट है देखिए पूरा जो सेट है वो फॉर्मेट हो गया है, इसमें ऑलरेडी UI अपलोड किया हुआ था। देखिए वेब सक्सेसफुली, मेरा फ़ोन में लॉक लगा हुआ था इसलिए हम दिखाते हैं आपको लॉक गया कि नहीं गया। देखिए थोड़ा टाइम लेता है, और एक बात दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। देखिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा, हम इसके बाद बताएंगे अगर आपके यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो कैसे आप फ़ोन को अपडेट कर पाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन दोस्तों हम 100% बता रहे हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन फ्लैश करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप आराम से इसको ऑफलाइन फ्लैशिंग कर सकते हैं और हार्ड डिस्क भी कर सकते हैं। अगर जिस फ़ोन में Realme का UI अपडेटेड नहीं है तो आप आराम से इसको UI अपडेट कर सकते हैं। आपको फाइल कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको दिखा देंगे, पहले दिखाते हैं सेट को हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फॉर्मेटिंग लिया Realme पे, थोड़ा आपको पता है अगर कोई फ़ोन फॉर्मेट लेता है तो थोड़ा टाइम लेता है ऑन में, और इस तरह के माने Realme का ऐसा वीडियो पहले आया कभी नहीं। मेरे को अपडेट मिला था लेकिन मेरे पास कोई सेट था नहीं, आज मेरे पास सेट आया है तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अभी Realme के लिए आप लोगों को पैसा देने का ज़रूरत है नहीं, Realme जो है वो टोटली फ्री में हो जाएगा। देखिए हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर सेट ऑन हो रहा है और हम आपको लेके चलते हैं Realme का वेबसाइट में। आप Realme OTA फाइल करके गूगल में सर्च कीजिए। देखिए गूगल में हम सर्च किए Realme OTA फाइल, देखिए सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आया है Realme का वेबसाइट उस पर हम क्लिक करते हैं। ये Realme का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बहुत सारा मॉडल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो जो मॉडल है जो जो लिस्ट दिया गया है हर सेट आपको हार्ड डिस्क होगा। अगर आपके पास अपडेट नहीं है आप यहाँ पर से OTA फाइल डाउनलोड कीजिए आराम से। देखिए यहाँ पर OTA डाउनलोड कर सकते हैं आप, OTA डाउनलोड करने के बाद आप उसको मेमोरी कार्ड में कॉपी कीजिए। देखिए बहुत सारा मॉडल यहाँ पर आपको जो भी नया भी जो भी मॉडल आ रहा है सब UI वर्सन में आ रहा है, Realme UI में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नया वर्सन दिया है Realme ने, अच्छा ही किया है, इसके लिए हार्ड डिस्क आराम से होता है। देखिए ये जो लिस्ट है पूरा लिस्ट है आप चेक कर सकते हैं, और इधर भी देखिए मेरा जो सेट है ये हो गया है ऑन, मेरा जो लॉक था वो हट गया है, ठीक है ना। पहले आपको देखे थे कि इसमें कोड लगा हुआ था, अभी इसमें FRP आया है। FRP तो आपको पता ही है, Realme का FRP करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आप इमरजेंसी कॉल पे जाइए *812# मार दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है देखिए ले लिया, FRP चला गया। अभी इसमें आपको पता है लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, कोई नहीं यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज आता था पहले, लेकिन अभी जो है देखिए बहुत सारा लैंग्वेज जो है चाइनीज़ है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाके लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, देखिए मेरा जो सेट है वो प्रॉपरली अनलॉक हो गया है, इसके लिए ना फ्लैश करने की ज़रूरत पड़ा और ना ही ऑनलाइन पे करने का ज़रूरत पड़ा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बात दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट है नहीं, हम फिर से ही बात दोहरा रहे हैं कि अगर फ़ोन में अपडेट है नहीं तो आप गूगल में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए Realme OTA फाइल करके, ठीक है ना, Realme OTA फाइल सर्च कीजिए,
वहाँ पर आप देखिए, हमने फिर से आपका पीसी दिखा रहे हैं आपको, रियलमी OTA फाइल हमने सर्च किए गूगल में जाके, देखिए सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वहीं पे हम चले जाते हैं। ये रियलमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा मॉडल दिया गया है और यहाँ पर मॉडल वाइज लिखा गया है कौन कौन सा सेट आपका UI सपोर्टेड है। जो जो सेट UI सपोर्टेड है वही सेट में आप ये काम कर सकते हैं, या फिर दूसरा सेट में ये होगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम ऊपर से नीचे दिखाते हैं, बहुत सारा सेट है, जो भी मॉडल है, बहुत सारा मॉडल है नया, जो भी मॉडल निकल रहा है वो रियलमी UI का ऊपर ही आ रहा है। ये रियलमी ने बहुत ही अच्छा दिया है। अगर आपके पास कोई भी रियलमी आता है तो आप ऑनलाइन फ्लैशिंग का चक्कर में मत पड़िए, आप पहले एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए इसमें OTA अपडेट है या फिर UI है कि नहीं है। अगर UI है तो फ़ोन को अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद आप आराम से उसको हार्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ना कोई पैसा देने की ज़रूरत है और ना ही आपको पे करना पड़ेगा, ना ही आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, आप आराम से ऑफलाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।